5.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट प्रॉपर्टी. आपको सिर्फ प्रॉपर्टी के थ्रू ये सारे पॉइंट्स प्रूफ करना है. आपको ये क्वेश्चन में फिगर गिवन है. नाउ फर्स्ट पॉइंट, इफ ए इज पैरेलल टू बी, ए और बी एक दूसरे के पैरेलल दिया हुआ है, देन यू हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. तब आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे के इक्वल है. तो ये लाइन पैरेलल है और आपको ये दिख रहा है कि एंगल 1 और एंगल 5 ये करस्पोंडिंग एंगल है. तो बाय करस्पोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी, अगर लाइन पैरेलल है तो ये करस्पोंडिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे. सो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी आएगी बाय करस्पोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी, करस्पोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये एंगल 4 है और ये एंगल 6 है. अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल आपको गिवन है, तब आपको प्रूफ करना है कि ए इज पैरेलल टू बी. तो ये कौन से एंगल है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है. तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. नाउ थर्ड पॉइंट है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल 4 और एंगल 5 इनका सम 180 डिग्री है. तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी. तो ये सप्लीमेंट्री आपको गिवन है. सो बाय सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी. तो तीनों प्रॉपर्टी के थ्रू हमने ये तीनों पॉइंट्स को प्रूफ कर दिया है. पहली प्रॉपर्टी लगी है करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरी प्रॉपर्टी लगी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और थर्ड प्रॉपर्टी लगी है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल का सम 180 डिग्री है. सो वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई. हमें ये फोर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है और ये फिगर हमें गिवन है. फर्स्ट पॉइंट है द पेयर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल. तो इस फिगर में हमें बताना है कि करस्पोंडिंग एंगल कौन कौन से हैं. तो ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो इसमें करस्पोंडिंग एंगल होंगे एंगल 1 एंड एंगल 5. फर्स्ट का एंगल 1 एंड एंगल 5, 4 एंड एंगल 8, ये दोनों करस्पोंडिंग एंगल होंगे एंगल 4 एंड एंगल 8. फिर एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों सेम साइड पर हैं, तो एंगल 2 एंड एंगल 6 ये होंगे करस्पोंडिंग एंगल हमारे. फिर एंगल 3 एंड एंगल 7, ये होंगे हमारे करस्पोंडिंग एंगल. तो इसमें हम लिखेंगे करस्पोंडिंग एंगल. नाउ आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे 3 एंड 5. सेकेंड का आंसर है एंगल 3 एंड एंगल 5, और एंगल 2 एंड एंगल 8, ये आपको दिख रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 2 एंड एंगल 8. तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नाउ योर थर्ड पॉइंट इज द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो ये हमारी ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल होंगे एंगल 3 एंड एंगल 8, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल होंगे एंगल 2 एंड एंगल 5. तो ये है हमारे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. नाउ फोर्थ पॉइंट है द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के ऑपोजिट में जो भी एंगल होंगे वो एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट होंगे. सो एंगल 1 एंड एंगल 3, फोर्थ पॉइंट का आंसर है एंगल 1 एंड एंगल 3. दूसरा पेयर है एंगल 4 एंड एंगल 2, एंगल 4 एंड एंगल 2, और एंगल 8 एंड एंगल 6, एंगल 8 एंड एंगल 6, देन एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 5 एंड एंगल
7, तो ये सारे हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने सबसे पहले पेयर ऑफ करिस्पोंडिंग एंगल बताया है, करिस्पोंडिंग एंगल ये होंगे 1 and 5, 4 and 8, 2 and 6, 3 and 7। फिर हमको बताना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे 3 and 5, 2 and 8। फिर हमको बताना है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होंगे 2 and 5 and 3 and 8, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के हैं। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टेक्स के अपोजिट वाले एंगल 1, 3, 4, 2, ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट एंगल है जो 5, 7 और 8 and 6। तो ये सारे सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए हैं। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। इफ ए इज पैरेलल टू बी देन फाइंड द अननोन एंगल। हमें दो लाइन दी हुई है और वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हमें अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करना है, तो हम सारी प्रॉपर्टीज जो पैरेलल लाइन की होगी वो इसमें लगाएंगे। नाउ ए इज पैरेलल टू बी देन 125 डिग्री एंड एंगल ई, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है कि अगर कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है तो एडजेसेंट एंगल हमेशा लीनियर पेयर बनाएंगे और वो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। दैट्स व्हाई एंगल ई प्लस 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ई की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री ये साइड से उस अनदर साइड जाएगा तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ई इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, तो एंगल ई की वैल्यू हमें मिल गई है 55 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि ये एक वर्टेक्स है और ई एंड एफ ये वर्टेक्स के अपोजिट हैं, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और पैरेलल लाइन है, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई